अगर आप एक अच्छी एंड नॉट सो एक्सपेंसिव बार ढूंढ रहे हैं जो कि डॉलबी एटमोस भी सपोर्ट करे तो मैं पिछले एक डेढ़ महीने से ये JBL की साउंड बार को लगातार टेस्ट कर रहा हूं और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये साउंड बार कैसी है और आपके लेने लायक है या नहीं तो चलिए आपको दिखाता हूं जेबीएल एस बी वन नाइनटी का ट्रू व्यू सबसे पहले आपको यह बता दूं कि इस चैनल पे बाकी सभी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी एक ट्रू व्यू है और इस साउंड बार को JBL ने मुझे नहीं भेजा इसे मैंने खुद खरीदा है रिव्यू करने के लिए मुझे ये साउंड बार बहुत ज्यादा अट्रैक्ट इसलिए करी क्योंकि ये डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करती है और अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी की कॉस्ट करती है आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बाई अ जेबीएल साउंड बार क्योंकि इसमें मेरे सुनने में आया है कि हरमन कर्व को थोड़ा सा इंटीग्रेट करा गया है नाउ व्हाट इज ना हरमन कर्व ये आपको बताऊंगा लेकिन पहले आपको इस साउंड बार की लुक्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूं स्लीक एंड स्टाइलिश आर द वर्ड्स फॉर दिस साउंड बार फ्रंट में आपको ग्रे मेश ग्रिल मिलती है और टॉप पे आपको ब्लैक पियानो ब्लैक प्लास्टिक की लुक देखने को मिलती है विच लुक्स रियली प्रीमियम एंड टॉप पे ही आपको ये टच कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं इस साउंड बार के फ्रंट में आपको दो 3.5 इंच के फुल रेंज स्पीकर्स मिलेंगे और साथ में दो 1.25 इंच के ट्वीटर्स भी देखने को मिलेंगे और इसके साथ आता है ये वायरलेस सबवूफर जो कि 6.5 इंच का है और डाउन फायरिंग है इस साउंड बार का टोटल आउटपुट है 180 वॉट और सबवूफर का 200 वॉट जो कि बनाता है टोटल आउटपुट को थ्री हंड्रेड साउंड बार के अंदर आपको बहुत शानदार कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। दो एच डी एम आई पोर्ट जिसमें से एक ई ए आर सी पोर्ट है और एक एच डी एम आई इनपोर्ट है एक यूएसबी पोर्ट भी आपको मिलेगा लेकिन उससे आप सॉन्ग्स को प्ले नहीं कर सकते एक ऑप्टिकल पोर्ट भी मिलेगा और इसके अलावा आपको ब्लूटूथ 5.1 की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी होगी इधर उधर की बातें खत्म और अब आपको ये बताता हूँ कि ये साउंड बार आपको वर्चुअल एटमोस की सपोर्ट देती है मैं अपने पिछले सभी वीडियोस के अंदर आपको जो भी डॉल्बी एटमोस साउंड बार को रिव्यू करके बताता था उसमें आपको हमेशा बोलता था कि वर्चुअल एटमोस और आप में से कई लोग ये पूछते थे कि वॉट इज वर्चुअल एटमोस वर्चुअल एटमोस का मतलब दोस्तों कभी भी आपको डॉल्बी एटमोस किसी साउंड बार या छोटे मोटे स्पीकर सेट से कभी नहीं देखने को मिलेगा अनलेस एन अनटिल यू हैव अ प्रॉपर सेटअप जिसमें आपको सीलिंग स्पीकर्स भी मिले और उससे आपको ऊपर से साउंड आए बट क्योंकि साउंड बार्स इतनी कॉम्पैक्ट होती हैं और उनमें ऐसे सेटअप नहीं करा जा सकता इसलिए इसमें आपको एटमोस प्रॉपर डालबी एटमोस देखने को नहीं मिल सकता एंड दिस इज कॉल्ड वर्चुअल एटमोस नहीं करता रहूंगा आपको पहले इसको ऑडियो सैंपल भी सुनाऊंगा जल्दी से सुनिए जो ऑडियो टेस्ट आपने अभी सुना उसमें लो नोट्स यानी बेस मिड नोट्स यानी वोकल्स और हाई नोट्स यानी ट्रेबल आपको बहुत शानदार तरीके से डिलीवर होती हुई सुनाई दी हाउ पॉसिबल कि कोई साउंड बार इतने अच्छे तरीके से तीनों टाइप की फ्रीक्वेंसी को बहुत शानदार तरीके से प्ले कर रही हो आपको एक बात पहले बहुत अच्छे से समझनी होगी कि किसी भी साउंड बार को लो नोट्स यानी बेस को प्रोड्यूस करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती इट इज सुपर इजी टू प्रोड्यूस बेस द मेन टास्क इज गिव द्लैरिटी इन द्यूजिक आप बेस को वोकल्स को यानी मिड नोट को और हाई नोट्स को किस तरीके से बैलेंस आउट करेंगे और कौन सी फ्रीक्वेंसी को कितनी पावर दी जा रही है इससे बनती है ओवरऑल साउंड बार की फ्रीक्वेंसी रेंज और जब हमने इस साउंड बार की फ्रीक्वेंसी रेंज को चेक किया, then we were left very surprised कि ये कर के बहुत ज़्यादा क्लोज है एंड नो डाउट जेवीएल ब्रांड ऑफ हरमन और आपको हरमन कर वाली फीलिंग आती है नाउ वट इज अर्मन कर्व हरमन कर्व एक ऐसा साउंड सिग्नेचर होता है जो लगभग सभी को पसंद आता है आप किस लेवल पे बेस को सेट करेंगे किस लेवल पे मिड नोट्स को सेट करेंगे और किस लेवल पे हाई नोट्स को सेट करेंगे यह एक तरीके से करा जाता है उस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्यूनिंग करी जाती है साउंड बार की और वहां बन जाता है हरमन कर्व वो साउंड सिग्नेचर सभी को पसंद आता है चाहे आपको ज्यादा बेस पसंद हो चाहे आपको कम बेस पसंद हो नाउ लेट एस टॉक अबाउट ओनली एंड ओनली दिस साउंड बार इस साउंड बार के अंदर आपको जो ड्राइवर्स मिलते हैं वो फुल रेंज है और इन ड्राइवर्स से सारा फर्क पड़ता है क्योंकि ये ड्राइवर्स सभी टाइप की फ्रीक्वेंसीज डिलीवर करते हैं हैं पर आप सोचेंगे कि साउंड बार के अंदर अलग अलग भी है, अलग है तो फुल रेंज ड्राइवर सारी टाइप की फ्रीक्वेंसीज डिलीवर करे या ना करे उससे क्या फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपको ये फर्क तब पता चलेगा जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक जो कि ऑडियो फाइल्स का लिंक है उसे क्लिक करेंगे साउंड बार को पूरी तरीके से बर्न इन करने के बाद हमने इससे कई सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किया उसके बाद उसे अपलोड किया अपनी ड्राइव पे और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस लिंक को जब आप क्लिक करके उन सॉन्ग्स को डाउनलोड करेंगे तो इस साउंड बार से रिकॉर्डेड सॉन्ग्स को आप पहले सुन पाएंगे उससे जज कर पाएंगे कि मैं आपको क्या बात बता पा रहा हूं सबसे पहला सॉन्ग है पसूरी आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने यह सॉन्ग ऑलरेडी सुना होगा गुड सॉन्ग लेकिन ये साउंड बार जितने ब्यूटिफुल तरीके से इस सॉन्ग को प्ले कर रही है वो आप सोच भी नहीं सकते उस सॉन्ग को सुनिए ड्राइव के लिंक में आपको पता चलेगा और इस साउंड बार के अंदर लोअर और अपर बेस जो इस सॉन्ग में है कितने शानदार तरीके से निकल रही है आई कांट इवन एक्सप्लेन आई एम श्योर कि जो रिकॉर्डेड सॉन्ग है वो पूरी तरह से जस्टिस नहीं कर सकता इस चीज की लेकिन ये साउंड बार जो बेस है वो बिल्कुल ग्राउंड टू अप और चेस्ट पे आने वाली दोनों बेस यानी लोअर एंड अपर बेस ये दोनों बहुत शानदार तरीके से एक साथ डिलीवर कर रही है एंड नाउ लेट मी टेल यू कि ये फुल रेंज ड्राइवर्स का काम क्या है सेकेंड सॉन्ग जो आप सुनेंगे वो है हम सॉन्ग आई एम श्योर आपने ये सॉन्ग भी सुना होगा इस सॉन्ग के अंदर आपको जो हल्का हल्का सराउंड इफेक्ट उस ऑडियो क्लिप में सुनाई देगा दैट इज मैजिकल पार्ट ये सराउंड इफेक्ट इन ड्राइवर्स की वजह से अचीव करा जा रहा है अब इतनी महंगी साउंड बार आप लेंगे तो वो सिर्फ ब्लूटूथ से म्यूजिक सुनने के लिए तो लेंगे नहीं आप अपने टीवी के साथ भी उसे लगाएंगे जो हमने भी किया आपको नेटफ्लिक्स पे इस साउंड बार से डॉल्बी एटमोस की डी तो मिलती ही है लेकिन आपको एक ऑडियो सैंपल भी मैं सुनाना चाहता हूं टीवी के साथ लगाने पे ये साउंड बार कैसा साउंड करती है उसे जरा सुनिए कॉपीराइट रीजंस की वजह से इस मूवी के सीन को मैं ज्यादा लंबे टाइम तक आपको दिखा नहीं सकता लेकिन सुना जरूर सकता हूं क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ऑडियो फाइल्स का आपको मैंने लिंक दिया है उसमें इस मूवी की ऑडियो क्लिप भी है उसे डाउनलोड करेंगे और जब आप सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि चारों तरफ से एक्शन का आपको ऑडियो सुनाई दे रहा है एक अलग सी सराउंड आपको समझ में आएगी इन दो ड्राइवर्स और दो ट्विटर्स की वजह से एंड लेट मी टेल यू कि अगर आप सामने से बैठ के इस साउंड बार को उस सीन में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग जगह से वो साउंड आ रही है आपको ऐसा महसूस होगा एंड दैट इज वॉट डॉलबी एटमोस इज ऑल अबाउट आपको इसमें वर्चुअल एटमोस मिल रहा है आई एम अगेन टेलिंग यू लेकिन वो वर्चुअल एटमोस भी आपको चारों तरफ से आवाज आती हुई लगेगी एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस एक और चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी कि ये एक बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंट साउंड बार है इन परटिकुलरली इसका सब वो आपको जिस तरीके की बेस इस साउंड बार से मिलेगी वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी सभी बजट साउंड बार से ट्राई टू अंडरस्टैंड वट आई एम सींग बेस निकालना किसी भी सब वूफर से या साउंड बार से इज वेरी वेरी इजी बट बेस में वो क्लैरिटी ला पाना कौन सी बेस आपको मिले ये डिसाइड कर पाना दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट इसे फ्रीक्वेंसी चार्ट के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और इस साउंड बार के अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करी गई है दैट इज सुपर अमेजिंग JBL के हिसाब से ये साउंड बार एज लोएस्ट 40 हर्ट्ज से बेस देना शुरू करती है एंड ट्रस्ट मी इट रियली डज आपको जो बहुत हल्की सी बेस भी होगी वो भी सुनाई देगी लोअर वॉल्यूम पे एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस साउंड बार आप इस साउंड बार से किसी भी जॉनरा का सॉन्ग सुनेंगे आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि हर जॉनरा के अंदर आपको लोअर बेस मिडल बेस और अपर बेस तीनों टाइप की बेस देखने को मिलती हैं और उसमें डिफरेंशिएट करके प्रॉपरली प्ले कर पाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी ऑडियो सिस्टम बट दिस साउंड बार इज प्लेइंग इट सो ब्यूटीफुली नाउ देर इज बिग कॉन ऑफ दिस साउंड बार कॉन्स सबसे पहले आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये डाउन फायरिंग सब है आपको इसका सब नीचे की तरफ देखने को मिलेगा अगर आपके घर में जहां पे भी आपने ये साउंड बार लगानी है वहां पे टाइल्स लगी हैं इसकी ऑडियो बहुत ज्यादा खराब आएगी एंड यू मस्ट नॉट कंसिडर बाइंग दिस साउंड बार अगर आपके घर में जहां पे भी आपने साउंड बार लगानी है वहां पे किसी भी और टाइप का फ्लोर है देन यू कैन गो हैड विद दिस एक्सेप्ट फॉर टाइल्स ये साउंड बार इस टाइप के जो सब होते हैं जो डाउन फायरिंग होते हैं वो विट्रीफाइड टाइल्स पे बहुत अच्छी बेस नहीं दे पाते और आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा दैट इज वॉट आई हैव बीन टेलिंग एवरी वन ऑफ यू कि डाउन फायरिंग सब को सिर्फ तब लीजिए जब आपके घर के अंदर बहुत अच्छी और सॉलिड फ्लोरिंग लगी हो एंड द सेकेंड कॉन्ट दैट आई नोटिस्ड इज की इस साउंड बार के अंदर कोई डिस्प्ले नहीं है अनफॉर्चुनेटली दैट इज अ बमर फॉर मी अगर डिस्प्ले होता और इसके अंदर डिस्प्ले पे लिखा हुआ आता दैट वॉट ऑप्शन वी आर चूजिंग और सिलेक्टिंग तो वो थोड़ा बेटर होता है उसके बाद हमने समझा कि रिमोट कंट्रोल में जो फीचर है वो कितने डॉल्वी एटमोस का एक डेडिकेटेड बटन देखने को मिलेगा जिसे आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं एंड यू विल फील लिड बिड ऑफ डिफरेंस इन द्वालिटी और वो अच्छी चीज है इसमें दो और बटन है जो मुझे थोड़े से डिफरेंट लगे वो है बेस उसे एक बार प्रेस करने से यू गेट स्लाइटली मोर रिस्पॉन्स फ्रॉम दबर मेरे हिसाब से सब के अंदर थोड़ी सी पावर और जाती है आई पर्सनली डिड नॉट लाइक वो मुझे थोड़ी आर्टिफिशियल बेस लगी आप अगर उसे पसंद करते हैं दैट इज कंप्लीटली योर विश दूसरा बटन है वॉइस वॉइस के अंदर आपको नाइट मोड जैसी एक क्लैरिटी सुनने को मिलती है बेस गोज लिटिल लो और आपको थोड़ा सा म्यूजिक कम सुनाई देगा वोकल्स या डायलॉग ज्यादा सुनाई देंगे दैट इज गुड एंड यूजफुल व्हेन यू आर वाचिंग मूवीज इन द नाइट एंड इसका बहुत ज्यादा असर मुझे देखने को नहीं मिला बट स्टिल हैविंग दिस फीचर इन अ साउंड बार ऑफ दिस प्राइस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग नाउ कमिंग टू अनदर फीचर ऑफ दिस साउंड बार इज एच डी एम आई इनपोर्ट एच का फायदा क्या होता है वो आपको दिखाई देता हूं इस HDMI इन पोर्ट से जब आप Amazon Fire Stick 4K को कनेक्ट करेंगे और साउंड बार की ऑप्शंस में HDMI इन पोर्ट पे आएंगे तो टीवी में आपके टीवी का OS नहीं बल्कि Amazon Fire Stick 4K का OS चलने लगेगा एंड दैट इज अ वेरी गुड फीचर फॉर पीपल जिनको अपने टीवी का OS नहीं पसंद आप बस फायर स्टिक लगाएं और अपने टीवी को एक नया OS दे दें एंड दैट इज वंडरफुल एंड लेट मी टेल यू कि आपको इस एच डी एम आई इनपोर्ट से एच डी आर पास थ्रू देखने को मिलता है एंड दैट इज वंडरफुल इन दिस प्राइस रेंज क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर मुझे जनरली ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती एंड दैट इज अ स्पेसिफिक रीजन जो मैंने इस साउंड बार को चुना ओवर दी अदर्स कमिंग टू द लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस साउंड बार को मैंने खुद खरीदा है और JBL ने इसे मुझे नहीं भेजा रिव्यू करने के लिए और ये सब प्रोडक्ट्स मैं खरीद के आपको रिव्यू करके इसलिए बताता हूं ताकि आप अपने पैसों से एक सही प्रोडक्ट खरीदें और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें दोस्तों अगर आप इस साउंड बार को या कोई और प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे अफिलियट लिंक को अगर आप यूज करेंगे तो आपके लिए प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा लेकिन इस चैनल की फाइनेंशियली थोड़ी मदद होगी उससे थोड़े, थोड़े 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 पैसे जोड़ के हम ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद के आपके लिए एक ट्रू व्यू लेके आते हैं ताकि आप अपने पैसों को कहीं पर भी गलत वेस्ट ना करें और एक सही प्रोडक्ट ले सकें ये साउंड बार बहुत ज्यादा शानदार है अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी बेस पसंद है अपने सॉन्ग्स में देन दिस साउंड बार कैन डिलीवर अगर आपको कम बेस पसंद है अपने साउंड में देन दिस साउंड बार कैन डिलीवर वाई वाई एम आई बोथ ऑफ दीज थिंग्स क्योंकि ये साउंड बार बहुत इंटेलिजेंटली बेस को प्ले करती है जिस सॉन्ग के अंदर जिस तरीके की बेस निकाली गई है यानी जिस तरीके की म्यूजिक कंपोजर ने रिकॉर्ड करी है दिस साउंड बार प्लेज एग्जैक्टली लाइक दैट इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको इसके अंदर जो क्लैरिटी सुनने को मिलती है लेट्स से अ सिंगर इज स्टैंडिंग हियर उसके साथ उसका गिटारिस्ट यहां बैठा है और आपको उसी तरीके की ऑडियो उस कंपोजर ने सुनाने की कोशिश करी है आपको वो इस साउंड बार से सुनाई देगा आपके कान उस डिफरेंस को उस एंगल को समझ पाएंगे और आप जब यह चीज इस साउंड बार से आने वाले म्यूजिक में करेंगे देन दैट इज कॉल्ड क्लैरिटी साउंड बार बेहतरीन क्लैरिटी के साथ आती है दो ट्वीटर्स के होने की वजह से आपको हाई नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती अगेन लेट मी टेल यू कि बेस निकालना किसी भी साउंड बार या ऑडियो सिस्टम से बहुत इजी है जो क्लैरिटी निकालना या फिर हाई नोट्स को ढंग से और सही तरीके से निकालना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क विच दिस साउंड बार इज डूइंग फ्लॉलेसली अगर आपका बजट 25,000 के आसपास नहीं है और आप एक कम रेंज में अच्छी साउंड बार लेना चाहते हैं और आपके पसंद का ऑडियो सिग्नेचर आपको शायद समझ नहीं आ रहा तो आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए ये सजेशंस आज भी उतने ही वैलिड हैं जितने पिछले साल वैलिड थे और ये पिछले साल का मेरा वीडियो है आप इसे देखेंगे ढंग से तो आप अपने लिए एक बेस्ट साउंड बार चुन पाएंगे दैट इज माय गारंटी आपको कैसा लगा ये वीडियो ये भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में और सेल आ रही है मैं उस सेल के अंदर एक ऐसी लिस्ट जारी करूंगा रात के 12 बजे सेल शुरू होने से जस्ट पहले जिसमें आपको सारी साउंड बार की टीवी की रेफ्रिजरेटर्स की सबकी डील देखने को मिलेगी रात के 12 बजे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उस लिस्ट का लिंक देखने को मिलेगा उसे जरूर डाउनलोड करिएगा और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी थैंक यू वेरी मच